मैं हूं अनन्या एंड आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडोनेशिया वीजा ऑन अराइवल के बारे में। अब वेकेशन का टाइम है तो जो भी बाली जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। इंडोनेशिया जाने के लिए आप वीजा ऑन अराइवल या फिर ई वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं। वीजा ऑन अराइवल तो शायद बहुत लोगों को पता होगा, बट ये ई वीजा ऑन अराइवल क्या है? तो ई वीजा ऑन अराइवल क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेटर है, ये सारी ही चीजें मैं वीडियो के एंड में कवर करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। लेकिन इसके भी पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि वीजा क्या होता है। मुझे पता है कि बहुत लोगों को पता होगा, बट जिनको भी नहीं पता उनके लिए मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगी कि वीजा क्या होता है। तो वीजा एक तरह से परमिशन है ऑफिशियली किसी भी कंट्री में एंटर करने के लिए। अब आप किसी के भी कंट्री में जाते हो तो आपको एक ऑफिशियल परमिशन चाहिए, सो वो परमिशन है वीजा। आप किसी भी कंट्री में कितने टाइम तक रह सकते हैं ये डिपेंड करता है आपके वीजा पे। कुछ बहुत ही कॉमन वीजा है जो हमने अपनी डे टू डे लाइफ में सुना होगा, जो कि है वर्क वीजा, टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा एंड ट्रांजिट वीजा। आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस कंट्री में किस पर्पस से जा रहे हैं। आपका वीजा सिंगल एंट्री या फिर मल्टीपल एंट्री हो सकता है, लेकिन वो भी डिपेंड करेगा कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उसके रूल्स इंडिया के लिए क्या हैं। वो कंट्री इंडिया को मल्टीपल वीजा देती है या सिंगल एंट्री वीजा देती है। तो ज्यादातर कंट्रीज में जाने के पहले ही आपको वीजा अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो कि हमें वीजा ऑन अराइवल देती हैं, मतलब कि आप वहां पे पहुंचने के बाद आप एयरपोर्ट पे जाके अपना वीजा इशू करवा सकते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया। अब कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिनके लिए आपको इंटरव्यूज देने पड़ सकते हैं और तो और मेडिकल स्क्रीनिंग तक करवानी पड़ सकती है वीजा अप्लाई करने से पहले। लेकिन डरिए मत, इंडोनेशिया वीजा ऑन अराइवल देता है और वो भी बहुत ही सिंपल है। चलिए फिर हम शुरू करते हैं कि हम वीजा ऑन अराइवल कैसे ले सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो कि है इंडोनेशिया वीजा ऑन अराइवल। लेकिन उसके प्रोसेस के पहले मैं आपको दो चीजों के बारे में बताना चाहूंगी। पहला है वीजा फी। वीजा ऑन अराइवल और ई वीजा ऑन अराइवल दोनों की जो फी है वो सेम है। और सेकेंड चीज है आपके डॉक्यूमेंट्स। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वीजा अप्लाई करने के लिए? तो आपको चाहिए सिर्फ दो चीजें। पहला, आपकी फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी, और दूसरा आपके पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है उसका स्कैन। दोनों डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी हो जाइए और चलिए फिर आपका भी इंडोनेशिया का वीजा अप्लाई करवाते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे हम सर्च करेंगे इंडोनेशिया EVOA। पहला ही लिंक आ जाएगा और जो भी आपका फर्स्ट नॉन एड लिंक होगा उस पर क्लिक करेंगे और आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इस पर आप देख सकते हैं कि इस पर सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मेंशन है। ये वो लिंक है जिस पर हम क्लिक करके वीज़ा अप्लाई करेंगे और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन्स हैं, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, वो सब कुछ ऑलरेडी इस पर दिया हुआ है। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे कंट्रीज़ की लिस्ट दिख जाएगी जो कि इंडोनेशिया वीज़ा ऑन अराइवल के लिए एलिजिबल है, जिसमें कि इंडिया भी है, और आप एंटर कर सकते हैं नागुरा राय बाली एयरपोर्ट से। और आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको फ़ी वगैरह की कितनी फीस है वो सब कुछ इस वेबसाइट पे ऑलरेडी मेंशन है। तो हम आ जाते हैं और ये हम लिंक पे क्लिक करके अपनी वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे हमने साइन इन पे क्लिक करना है, फिर हम रजिस्टर करेंगे। तो हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर रहे हैं और फॉरेनर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये आपके पर्सनल डिटेल्स हैं वो फिल करना है, और इस सेक्शन में आपको अपना डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको अपने पासपोर्ट के फर्स्ट पेज पे दिख जाएंगी। फिर अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है और पासवर्ड क्रिएट करना है।
फिर क्लिक करेंगे सबमिट पे और आपको ये पॉपअप आया और सेम टाइम पे आपको अपना ईमेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा, वहाँ से आपको उसे वेरीफाई करना होगा। अब सेम क्रेडेंशियल्स यूज़ करके हम लॉगिन कर लेंगे और अब क्लिक करेंगे अप्लाई पे और यहाँ पे आपको फिर अपनी ये डिटेल्स देनी है कि आप किस पर्पज़ से वहाँ जा रहे हैं। तो मोस्टली हम टूरिज़्म के लिए ही जाते हैं और कहाँ से जा रहे हैं तो इसमें हम डालेंगे इंडिया। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आप अपनी कंट्रीज़ फील्ड में सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर वीज़ा मोस्टली आपको 30 डेज़ के लिए ही मिलेगा, तो आप वो फिल करके फिर डिटेल्स एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे। फिर ये पॉपअप ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए, फिर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। फिर आपका वीज़ा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और आप इधर साइड में एक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि जब आप फाइनल पेमेंट करेंगे तो उसमें आपको एडिशनल टैक्स भी पे करना होगा। फिर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और फोटो अपलोड करनी है। नेक्स्ट कॉलम में आपको अपनी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको अपने पासपोर्ट के फर्स्ट पेज पे मिल जाएंगी, वो फिल करना है और पासपोर्ट का स्कैन अपलोड करना है। फिर नेक्स्ट कॉलम में आपको अपनी अराइवल इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप कौन से डेट को इंडोनेशिया में अराइव कर रहे हैं और आप कहाँ रुक रहे हैं, जो भी आपने होटल या विला जो भी बुक किया है उसका फुल एड्रेस देना है। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसको चेकबॉक्स पे क्लिक करके आपने एक्सेप्ट करना है। फिर हम क्लिक करेंगे सेव पे और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आपको और भी किसी की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो आप ऐड अनदर पे क्लिक कर सकते हैं। फिर हम क्लिक करेंगे सबमिट पे और ये आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। क्योंकि अभी हमने पेमेंट नहीं की है इसलिए वेटिंग फॉर पेमेंट स्टेटस शो हो रहा है। तो अब पेमेंट करने के लिए आपको एक्शन बटन पे क्लिक करना है और इस पेज पे आपको मेक अ पेमेंट पे क्लिक करना है। अब आप अपने इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करके पे नाउ पे क्लिक करिए और आपका ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और अब आपका स्टेटस चेंज होके अप्रूव्ड हो गया है। अब फिर से एक्शन बटन पे क्लिक करके हम इसका इनवॉइस डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि हमें इमिग्रेशन सेक्शन पे वही इनवॉइस शो करना होगा अपना वीजा स्टैम्प के लिए। आपका वीजा अप्लाई हो गया और अप्रूव हो गया, करेक्ट? तो अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि हम ई वीजा ऑन अराइवल क्यों अप्लाई कर रहे हैं और उसकी क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ई वीजा ऑन अराइवल के सिर्फ बेनिफिट्स ही हैं, आपको उसका कोई भी डिसएडवांटेज नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मुझे तो अभी तक नहीं मिला, अगर आपको कुछ लगता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। ई वीजा ऑन अराइवल में क्या है कि आपने ये सारा प्रोसेस पहले ही कर लिया, आपका वीजा अप्लाई हो गया और अप्रूव हो गया, तो एयरपोर्ट पे जाने के बाद वीजा के लिए जो आपका वेटिंग टाइम था वो सेव हो जाता है। अब आपको डायरेक्ट जाना है इमिग्रेशन में। जब आप इमिग्रेशन में जाते हैं तो आपने जो अभी फॉर्म डाउनलोड किया है ई वीजा का, आप वो फॉर्म उन्हें दिखाएंगे और वो एक तरह से आपका वीजा ही है। ई वीजा ऑन अराइवल का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बेनिफिट जो मुझे लगा वो ये है कि अगर आप वीजा ऑन अराइवल लेते हैं और आप वहां पहुंचने के बाद ये सारे प्रोसेस करते हैं तो जब आपका टाइम आता है पेमेंट का तो आपको थोड़ी इश्यू हो सकती है, क्योंकि वहां पे आपको जो करेंसी है वो उनकी अपनी लोकल करेंसी विच इज ITR इंडोनेशियन रुपया उसमें देनी होगी, या तो फिर आप US डॉलर में दे सकते हैं, वो भी आपको एग्जैक्ट अमाउंट जो आता है वो देना होगा विच इज 35 US डॉलर। आप वहां पे पेमेंट इंडियन रुपीस में नहीं कर सकते और वो आपको कोई भी चेंज रिटर्न नहीं करेंगे, सो आपको एग्जैक्ट अमाउंट देना होगा। तो अगर आप ये प्रोसेस ऑनलाइन कर लेते हैं, पहले से कर लेते हैं, तो आपको एक ये भी बेनिफिट है कि ये सब लफड़े नहीं है, आप अपना इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करके आप पेमेंट बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूंगी कि आप ई वीजा ऑन अराइवल ही लेके जाएं, क्योंकि उससे आपका बहुत ही ज्यादा टाइम सेव होगा। तो अब आपका वीजा तो अप्रूव हो गया, तो वेट किस चीज का है? चलिए फिर फटाफट से पैकिंग कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाली की बहुत सारी वीडियोस आगे आने वाली हैं जिसके लिए आप चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।